लोकसभा चुनाव के साथ सट्टा बाजार का भाव गर्म है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का आकलन आपको बताते हैं। राजस्थान में बीजेपी को 17 से 18 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस की बीजेपी से कम सीटें आएंगी ऐसा भी सट्टा बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है। फलौदी की सट्टा बाजार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमने इन तस्वीरों को कैद किया है। हालांकि आपको बता दें कि अवैध है, गैर कानूनी सट्टा बाजार है, ये सट्टा बाजार नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो सट्टा बाजार हैं वो क्रिकेट मैच के दौरान, चुनाव के दौरान सट्टेबाजी करते हैं और सट्टेबाजी में लोगों को इन्वॉल्व भी करते हैं, जो गैर कानूनी है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन इस बाजार का जो अनुमान है वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, राजस्थान में फलौदी का सट्टा बाजार सुर्खियों में आ जाता है। यह अलग बात है कि सट्टे बाजार का आकलन सटीक तो नहीं होता लेकिन लगभग होता है, और इस बार भी सट्टा बाजार पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में मोदी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोगों की निगाह अब उस आकलन पर टिकी हुई है। हालांकि इस आकलन में कई सीटों पर फाइट नेक टू नेक है। टाइम्स नाउ नवभारत ने राजस्थान के फलौदी के ही एक सटोरिए का स्टिंग करके ये जाना कि आखिर किस तरह से वो लोकसभा में सट्टे का खेल खेल रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों का खुलासा जो हुआ है वो हम आपको बताते हैं। जिस पर भाव कम उसकी होती है जीत, ये सटोरिए ने बताया है। बीजेपी पर 20-25 पैसे का भाव है, ये सटोरिए ने बताया है। राजस्थान में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी क्योंकि भाव कम है, और जिसका भाव कम होता है उसकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है। सर, ये कम रेट और ज्यादा रेट क्या होती है सट्टे में, मतलब क्या पैसे कम है और ज्यादा है, क्या ये आकलन होता है? ये कम पैसे की रेट ही होती है कि 20-25 भाव आ रहे हैं अभी भाजपा सरकार के फलौदी सट्टा बाजार के, तो कम पैसों में बड़ी से बड़ी सरकार बन रही है भाजपा की, और जो ऊपर पैसे आ रहे हैं 4 पैसे कृषि उछाड़े का रहे हैं तो वो सरकार राजस्थान में नहीं बन रही है अभी। और सर सीटों की बात कर, राजस्थान में कितनी सीटें सरकार बीजेपी लेकर 18 सीटें आ रही है सर राजस्थान, और कांग्रेस की मतलब पीछे कांग्रेस के पीछे है अभी, मतलब 17-18 मतलब बीजेपी है, बीजेपी आ रही है। और 4 रुपये जैसे कर्ण सिंह उच्चारा है और 25-20 पैसे ये गजेंद्र सिंह है, तो इसमें क्या मतलब आकलन आ रहा है? ये 20-25 पैसे का मतलब ये होता है कि राजस्थान सरकार में बीजेपी के भाव है 20-25 पैसे, 20 रुपये में अगर आप लगाओगे तो राजस्थान जिसमें सरकार रहना बीजेपी की बनेगी, और 25 पैसे है 20 के कांग्रेस के, 4 रुपये में उछाड़े खाओगे तो 10,000 रुपये, 400 रुपये जाने में 10,000 रुपये आने में हो जाएंगे। तो मतलब जिसके कम पैसे हैं वो सरकार बना रहा है, ज्यादा पैसे हैं ज्यादा पैसे वाले नहीं बना रहे।